कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का फुटावा इनार में कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। आपको बता दें, गोरखपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र चौरी चौरा फुटावा इनार चौराहे पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का चौरी चौरा के विधायक इंजीनियर सरवन निषाद के नेतृत्व में फूल मालाओं से लाद कर भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करते हुए डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि पिछली सरकारों ने निषाद समाज के लोगों के साथ छल कपट करके उनको हिस्सेदारी से दूर किया था। आगामी लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर पार्टी की रीतियों नीतियों को बताने का कार्य कर रहे हैं। सपा सरकार में गुंडे माफिया सड़कों पर खुलेआम अपराध करते थे। निषाद पार्टी शोषित दलित वंचित समाज के हक और हिस्सेदारी की आवाज उठाने का कार्य करती है। मछुआ समाज के कल्याण हेतु लगातार योजना बनाकर उनको लाभ दिया जा रहा है। सपा बसपा कांग्रेस ने निषाद समाज के लोगों के साथ जाति की है और उनके साथ सिर्फ छलावा किया है। उक्त अवसर पर दिलीप जायसवाल, चेयरमैन सन्नी जायसवाल, विजय शाही, हरेंद्र यादव, राम दयागर निषाद, अनुप जायसवाल, योगेंद्र जायसवाल, राजन पांडे, मदन मदेशिया, अवध नारायण जायसवाल, अमित जायसवाल, राहुल जायसवाल, संजय वर्मा, कैलाश निषाद, सुरजीत निषाद सहित तमाम लोग मौजूद रहे। चौरी चौरा से विनोद पासवान की खास रिपोर्ट। आज यहाँ पर आपके कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, क्या चौरी चौरा की ऐतिहासिक धरती है, इसको हम लोग बार बार प्रणाम करते हैं। यहाँ जो है हमारे निषादों ने और जातियों ने मिलकर देश को आज़ाद कराने का एक केंद्र रहा है और इस धरती पूजनीय धरती है। और यहाँ से हमारे एक विधायक दिया और इनके साथ 11 विधायक हैं और 11 विधायकों ने देखकर लखनऊ के उस विधानसभा में, विधान परिषद में हम हैं और कैबिनेट में हैं, तो ये मान चलिए कि चौरी चौरा पूरे के कैबिनेट में जाके बैठता है। तो इसलिए धरती यहाँ के लोगों को प्रणाम करना था। हमारा एक समीक्षा अधिकारी हैं जो है रामविलास निषाद, उनकी माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, उनको देखना है, उनका संबल देना उनको। और बाकी आज रिवर रेंचिंग था मछुआरों का, आज पूरा गोरखपुर कार्यक्रम लगा था कि 70 साल से किसी ने निषादों की तरफ नहीं देखा, गाँव के गरीबों के तरफ किसी ने नहीं देखा। अगर चिंता किया तो मोदी ने किया, तो नदियों के किनारे रहने वाले जो लोग हैं, जो नदियों पर आश्रित हैं मछली पर या व्यापार करते हैं, तो ऐसे में पिछली सरकारों ने केवल धनातों नदी का दोहन किया, प्रतिबंधित जाल नहीं प्रतिबंध किया, तमाम मछलियों की संख्या कम हो गई थी, इसलिए नदी प्रदूषित हो गई थी। अभी हम रिवर रेंचिंग कर रहे थे, रिवर रेंचिंग किया है, 2 लाख मछली उसमें डाला हूँ और प्राप्ति में। दूसरा, आज के दिन में किसान गोष्ठी थी मत्स्य पालकों के और किसान कृषकों, हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है और किसानों को विभिन्न योजनाओं में हम लोगों ने बहुत सब्सिडी दी है और वहाँ एक से एक समृद्धिशाली और प्रगतिशील किसान आए थे, अपने अपनी बातों को बताए और मछुआरों को बताया गया कि प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक व्यवस्था दी है कि जिसके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है उसका भी मछुआ कल्याण कोष से इलाज कराएंगे, 5 लाख, दैविक आपदा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसके साथ हम पैसा देते हैं। उनके बच्चों को शिक्षा के लिए मैंने लाया है, उनके बच्चों को ट्रेनिंग के लिए लाया है, स्किल डेवलप, ये तमाम तरह की व्यवस्था मुख्यमंत्री संपदा योजना में 5 एकड़ पर 3,20,000 रुपये मिल गया। उत्तर प्रदेश में आज मेरी 7 राज्य योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, फ्री का बीमा इनका है, तो ये हमारे आने से थोड़े जागरूक होते हैं और धीरे धीरे ये लोग आ रहे हैं मछुआरों। उत्तर प्रदेश को हम अपने विभाग के माध्यम से मछुआरों को धन्यवाद देना था कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में एक सर्वोत्तम प्रदेश बना है मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में। मछुआ आरक्षण रैली आप निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मछुआ आरक्षण जो रैली है ये उसके माध्यम से जनसंपर्क अभियान चल रहा है, उन्हें ये बताया जा रहा है कि देश को आज़ादी में निषादों को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था, जैसे आप सत्य यही जो है चौरी चौरा कांड हुआ था उसमें जय कुंज बिहारी केवट थे, तो आज के दिन में ऐसे तमाम है। तो अंग्रेजों ने हमें कानून बना के गुजारा था, देश तो आज़ाद हो गया, संविधान बना, संविधान में लिखा गया, लेकिन पिछली सरकारों ने लेदरमैन वाशरमैन फिशरमैन क्राउटमैन सबके लिए था, लेकिन फिशरमैन को फिसला दिया, उसकी फाइलें गायब करा दिया, उसको पिछड़ी में डाल दिया। अब फिर से जो फाइल में माननीय योगी जी ने लिखा और जीआई ने एक्सेप्ट कर लिया माननीय अमित शाह ने, तो अब मामला जब प्रधानमंत्री तक है तो निषादों को बता रहे हैं भाई अपर कास्ट
अपर कास्ट जब मोदी जी के साथ आया और सारी ऐसी पार्टियों को हटाया जो गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, तो अपर कास्ट का 10% लिखा है। महिलाओं की तरफ किसी ने चिंता नहीं की थी, महिलाओं ने भी सब पार्टियों को हटाया, मोदी को लाया, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। तो निषाद जी आइए और सारे लोग मोदी जी के साथ खड़ा हो जाइए और उनको हटाइए जो तुम्हारा आरक्षण छीनने वाले हैं, फाइल गायब कराने वाले, उनको हटाइए और मोदी जी को एक मुश्त 18% आबादी निषादों की देकर फिर जिताइए और संविधान मिला हिस्सा ले लीजिए। 70 साल हम इंतजार किए हैं, धारा 370 खत्म हुआ, राम मंदिर बना, वैसे निषादों का भी आरक्षण को लिखा जाए। NDA के आप सहयोगी हैं और NDA के ही नेता जयप्रकाश निषाद जी एक अधिवेशन करा रहे हैं, मछुआ अधिवेशन, क्या राय है? आज के दिन में कोई भी जय निषाद राज का नारा लगाए, हर आदमी को हक है, समाज सोया हुआ है, 70 साल से सोया हुआ था, हाथी साइकिल पंजा सारे पार्टियों को हमारे समाज ने वोट दिया, आज कम से कम मछुआ को जगाने के लिए जो भी नेता आता है उसको हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने बधाई देते हैं। कई जगह उन्होंने बयान दिया है कि संजय निषाद जी अपने समाज को धोखा देते हैं, क्या कहेंगे? अब आज के दिन में धोखा कौन दिया मालूम है सारे समाज को, डॉक्टर संजय ने क्या किया है, मैं तो वकील हूँ, मोदी तक अमित शाह तक, वकील चाहिए लोकतंत्र में। जिस तरीके से यादव भाइयों ने मुलायम सिंह को वकील बना के भेजा, दलितों ने बहन जी को माने घांसी राम, तो मेरा समाज हमारे ऊपर इसीलिए विश्वास करता है कि हमने उनकी वकालत किया, मैं कुछ लिया नहीं हूँ। नेता कुछ देता नहीं, नीति बनवाता है, नेता कुछ देता नहीं, नीति बनवा कर समाज को सुरक्षा देता है। मैंने नीति बनवाई है मछुआ कल्याण को, हमने जो है उनकी सुरक्षा के लिए फ्री में बीमा है, उनके अनुदान की व्यवस्था की है, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की आज के दिन में, तो नीति बनाने को जो हमारे साथ हैं। आज के दिन में हमने 5 टिकट लेके आया था निषादों का, 3 निषाद लड़े, 2 निषादों पास नहीं गए लड़े, बाकी 10 भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी मिल के लड़ती है। आज के दिन में सबका सब 15 सीटें मिली थी, 11 जीत, आज निषाद पार्टी का वकील लोकसभा में भी है, विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी, कैबिनेट में भी है, राज्यसभा में भी है, आज के दिन में लोकसभा में भी भोजन परी थाली जाएगी। हम लोग समाज के लिए हैं और समाज के लिए गाँव में रहते हैं और गाँव में जगाते हैं। 13 किताबें लिखा है हमने, किताब लिखा, सच्ची बात लिख दिया, जिसे कोई आपत्ति हो उस किताब को लिखा है, हमने एकदम हमने दस्तावेज खोज के लाया। आज के दिन में ये दस्तावेज जो है पिछली सरकारों हाथी साइकिल पंजा ने गायब किया था उसको लाया, बाकी अभी कुछ धन्यवाद।